What is bicornuate uterus? 24 yoga poses for healthy and strong uterus. बाइकॉर्नुएट गर्भाशय क्या है? गर्भाशय के आकार में बदलाव। बाइकॉर्नुएट की स्थिति में हमारी गर्भाशय के आकार दिल के समान होती है। गर्भाशय के आकार दिल के समान होती है तब उसे बाइकॉर्नुएट गर्भाशय कहा गया है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भावस्था की हर स्टेज में हमारी गर्भ की साइज बढ़ती है, गर्भ का आकार बढ़ता है। लेकिन बाइकॉर्नुएट गर्भाशय की स्थिति में जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, तब गर्भावस्था की विभिन्न स्टेज में गर्भ के आकार के बदलाव में प्रॉब्लम होती है, गर्भ के आकार के विकसित होने में प्रॉब्लम होती है। शिशु का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, इसलिए बाइकॉर्नुएट की स्थिति में डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। बाइकॉर्नुएट गर्भाशय जन्म से होती है, आइए इसकी लक्षण को संक्षेप में जानते हैं। पेल्विक पेन, अनियमित महावारी यानी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्डोमिनल ऑर्गन्स में दर्द महसूस होना, यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए स्ट्रेस देने के लिए योगासन नियमित करें, लेकिन डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए यूट्रस को स्ट्रेस देने के लिए योगासन नियमित करें। आपकी यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगी, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। आइए योगासन की तरफ चलते हैं। बदकुनासन योगा पोज, फुट की सोल्स को ज्वाइन करके बैठे, फुट को दोनों हाथों से पकड़कर दोनों नीज में लेग्स में अप एंड डाउन की मूवमेंट दे। बदकुनासन योगा पोज डेली करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है। इस योगा पोज में अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठना है, कंधों को ओपन रखना है। नियमित बदकुनासन योगा पोज डेली करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण पीरियड्स रेगुलेट होती है, पीरियड्स समय पर आती है, क्रैम्प्स इत्यादि की समस्याएं दूर होती है, हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं। 5 मिनट तक डेली मॉर्निंग आपको बदकुनासन योगा पोज करना है। ध्यान रहे बेंड होकर नहीं बैठना है, कंधों को ओपन रखना है। लगातार 5 मिनट तक बदकुनासन योगा पोज डेली मॉर्निंग करना है, आपकी यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलेगी। लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरे, सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें, हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। यह है बदकुनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड। बदकुनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड डेली करने से हमारी यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस की कमजोरी दूर होती है। बदकुनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड आपको 2 से लेकर 3 बार करना है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आए। दोबारा इसके स्टेप्स को ध्यान से देखें। लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरें, सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें, हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। 2 से लेकर 3 बार तक आपको बदकुनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड करना है। ध्यान रहे इनहेल होल्ड एक्सहेल के साथ करना है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब दूसरी योगासन की तरफ चलते हैं। कैमल पोज या उल्ट्रासन योगा पोज, वज्रासन पोज में बैठते हुए नीज के ऊपर खड़े हो जाएं। ध्यान से इसके स्टेप्स को देखें। बॉडी को पीछे की तरफ थोड़ी बेंड करें, दोनों हाथों को एक एक कर अपने एंकल्स के ऊपर टिकाएं। यह है उल्ट्रासन योगा पोज। उल्ट्रासन योगा पोज डेली करने से हमारी पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब चलते हैं अगली योगासन की तरफ। पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, आइए इसके स्टेप्स को ध्यान से देखते हैं। लेग्स को सामने ज्वाइन करके बैठें, स्ट्रेट करके बैठना है। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं, एक्सहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे लेग्स के ऊपर बेंड करें, हेड को नीज के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। नीज को बेंड नहीं करना है, नीज को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है।
यह योगा पोज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इससे यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं, 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। यह है भुजंगासन योगा पोज। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। इस पोज में आपकी बॉडी कोबरा के समान है, इसलिए इस योगा पोज को कोबरा पोज कहा गया है। कोबरा पोज यानी भुजंगासन डेली करने से यूट्रस मसल को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस डिजीज दूर होती है, फाइब्रॉइड इत्यादि की समस्याएं दूर होती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। एक्जेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। भुजंगासन योगा पोज आपको 2 से लेकर 3 बार तक करना है, 3 मिनट तक करना है। 1 leg सीटेड फॉरवर्ड बेंड की तरफ चलते हैं। अपने 1 leg को नीचे फोल्ड कर फुट को दूसरी लेग के थाई के ऊपर रखें, टो को इस तरह पकड़ना है। लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को लेग के ऊपर बेंड करें, हेड को नी के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इसकी स्टेप्स सेम पश्चिमोत्तासन योगा पोज की ही तरह है, फर्क इतना है कि हम 1 leg के ऊपर कर रहे हैं, इनहेल होल्ड एक्जेल उसी तरह रहेगी। इस पोज से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं, दूसरे लेग में भी इसी स्टेप्स को दोहराएं। 1 leg को नीचे होल्ड कर दूसरे लेग के थाई के ऊपर रखें, टो को इस तरह पकड़ें, लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को लेग के ऊपर बेंड करें, हेड को नी के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलेगी, फर्टिलिटी भी इंप्रूव होगी। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आए। पेल्विक मसल्स और यूट्रस की मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए उत्ताना पादासन योगा पोज डेली करें। पीठ के बल लेट जाएं, इनहेल के साथ लेग्स को ज्वाइन कर थाइस तक ऊपर उठाना है, एक्जेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाना है। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर उठाएं, एक्जेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। कुछ सेकेंड्स के लिए रुकना है, इस बात पर ध्यान दें, धीरे धीरे इस स्टेप्स को करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। उत्ताना पादासन डेली करने से हमारी पेल्विक मसल्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, कमज़ोर यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है। ड्यूरेशन 5 मिनट्स। अब है सेतु बंधासन योगा पोज। लेग्स को थोड़ी डिस्टेंस में रखकर नीच से फोल्ड कर रखें, दोनों हाथों को थाइस के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ अपने बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, चिन को चेस्ट से सटाएं। यह है सेतु बंधासन योगा पोज। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें, इस पोज में आपको रुकना है। सेतु बंधासन योगा पोज में हमारे संपूर्ण एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इस पोज में हम अपनी पेल्विक ऑर्गन्स को ऊपर उठाकर रखते हैं, जिसके कारण उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है। एक्जेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं, हाथों को हिप्स के नीचे ले जाएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करके रखें। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को फ्लोर के ऊपर ही रखना है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें, चिन को चेस्ट से सटाना है, इस बात पर ध्यान दें। इस पोज से थायराइड डिजीज भी दूर होती है, संपूर्ण एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। एक्जेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं, 2 से लेकर 3 बार तक सेतु बंधासन योगा पोज आपको करना है। यूट्रस को हेल्दी बनाने के लिए पादा अंगुष्ठान योगा पोज डेली करें। लेग्स को नीच से फोल्ड कर फुट को ज्वाइन कर ऊपर उठाएं, फुट को दोनों हाथों से पकड़कर नोज के पास इस तरह लाएं। ध्यान से इसके स्टेप्स को देखें, सावधानी पूर्वक करना है। यह है पादा अंगुष्ठान योगा पोज। इस पोज में हमारी बॉडी यूट्रस के समान प्रतीत होती है, इसलिए इस योगा पोज को यूट्रस पोज भी कहा गया है। इस पोज को डेली करने से यूट्रस डिजीज दूर होती है, हमारी यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, संपूर्ण एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होती है, यूट्रस लीवर किडनी स्टिमुलेट होती है। जिनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, वही इसकी स्टेप्स को दोहराएं, अन्यथा लाभ के बजाय हानि होगी। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तभी इस योगा पोज को करें, अन्यथा
फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करें। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए मैं बहुत सारे योगासन आपको एक साथ बताती हूँ। आप डेली इन सभी योगासन को करें, आपकी यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलेगी। अब है पवन मुक्तासन योगा पोज। इनहेल के साथ लेग्स को नीच से फोल्ड कर चेस्ट के पास प्रेस करें। एक्जेल के साथ अपने हेड को ऊपर उठाएं, नोज को नीच से टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। पवन मुक्तासन योगा पोज डेली करने से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट होती है, एक्टिवेट होती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं नहीं रहती है, साथ में यूट्रस को भी स्ट्रेंथ मिलती है, इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। एक्जेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अपने एक लेग के ऊपर पवन मुक्तासन योगा पोज के स्टेप्स को दोहराएं। इनहेल होल्ड एक्जेल के साथ करना है। इसके स्टेप्स ठीक पवन मुक्तासन योगा पोज की ही तरह है। फर्क इतना है कि हम एक लेग के ऊपर करते हैं। आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, साथ में यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलेगी। सभी योगा पोज को 3 मिनट तक दोहराना है। डेली आधे घंटे तक योगासन करें, आपके यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलेगी। अब है मत्स्यासन योगा पोज। लोटस पोज में बैठें, दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर ले जाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। यह है मत्स्यासन योगा पोज। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाना है, दोनों हाथों से अपनी टोज को पकड़ना है। इस पोज में आपको रुकना है। मत्स्यासन योगा पोज डेली करने से हमारे संपूर्ण एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। हाथों की सपोर्ट से इस तरह स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। पहले बॉडी को रिलैक्स करें, इस तरह रिलैक्स करना है। फिर अपनी लेग्स को ओपन कर फ्लोर के ऊपर ले जाएं। मत्स्यासन पोज दूसरे तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोनों हाथों की सपोर्ट से अपने बैक को ऊपर उठाकर रखें, हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाना है। दोनों हाथों को अपनी थाइस के पास लाएं, इस पोज में रुकें। इस पोज में लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। कुछ सेकंड्स के लिए रुकना है। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। लोटस पोज में मंडुकासन योगा पोज करते हैं। इनहेल के साथ अपने दोनों हथेलियों को इस तरह रखें, दोनों हथेलियों से नाभि के ऊपर प्रेस करते हुए एक्जेल के साथ बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें, हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज से यूट्रस मसल को स्ट्रेंथ मिलती है। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं, 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। यूट्रस मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए सभी योगा पोज 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। सिर्फ जो टफ योगा पोज है उसे एक बार ही करें। यूट्रस की समस्याएं डाइजेस्टिव सिस्टम से भी जुड़ी हुई हैं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए वज्रासन योगा पोज में नियमित बैठें। इसके स्टेप्स बहुत ही आसान है। इसमें सांस आपको नॉर्मल रखना है। यह है वज्रासन योगा पोज। इसे थंडरबोल्ट योगा पोज भी कहा गया है। इस पोज में 2 से लेकर 3 मिनट तक बैठें। अब चलते हैं सुप्त वज्रासन योगा पोज करने। दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर ले जाते हुए हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ ले जाएं। पीछे की तरफ बेंड करना है, हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाना है, दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखना है। इस पोज में रुकना है। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। इंग्लिश में इस योगा पोज को रिक लैंड थंडरबोल्ट पोज योगा पोज कहा गया है। सुप्त वज्रासन योगा पोज डेली करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती है। दोनों हाथों की सपोर्ट से बॉडी को स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं। अब है शशकासन योगा पोज। वज्रासन योगा पोज में बैठते हुए इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्जेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें, हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। दोनों हाथों को ईयर से सटाकर सामने स्ट्रेट करके बैठना है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। स्ट्रेस एंग्जाइटी दूर होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। नौकासन या तो बोट पोज। इनहेल के साथ लेग्स को और बॉडी को एक साथ ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को लेग्स के पैरालेल रखें, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। नौकासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, यानी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती है।
अपनी क्षमता के अनुसार ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। इस पोज को डेली करने से पीरियड्स रेगुलेट होती है, क्रैम्स इत्यादि की समस्याएं दूर होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। एक्जेल के साथ स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आए। अब है मारदारिया आसन योगा पोज। कैट पोज में बॉडी को लाए इस तरह। इनहेल के साथ अपने हेड को ऊपर उठाएं और बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्जेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें और अपने बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। इनहेल और एक्जेल के साथ अपने हेड और बैक में मूवमेंट देना है, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट देना है। मारदारिया आसन योगा पोज डेली करने से हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती है, फाइब्रॉइड की साइज श्रिंक होती है, ओवेरियन सिस्ट दूर होते हैं, इस तरह बहुत सारी यूट्रस समस्याएं दूर होती है, संपूर्ण एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। ड्यूरेशन 2 to 3 मिनट्स। अब जानू सिरासन योगा पोज। लेग्स को ज्वाइन कर खड़े हो जाएं। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्जेल के साथ बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को नीच के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड पोज या तो जानू सिरासन। जानू सिरासन योगा पोज करने से फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस मसल को स्ट्रेंथ मिलती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक आपको जानू सिरासन योगा पोज करना है। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाना है। एक्जेल के साथ धीरे धीरे बॉडी को लेग्स के ऊपर बेंड करना है। जानू सिरासन योगा पोज डेली करने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। एक्जेल के साथ दोनों हाथों को थाइस के पास लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। इस पोज से स्ट्रेस एंग्जाइटी दूर होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, मोटापा भी दूर होता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं दूर होती है, बहुत सारी यूट्रस डिसीज ठीक होती है। अब चलते हैं सर्वांगासन योगा पोज की तरफ। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को ज्वाइन कर ऊपर उठाएं। ध्यान से स्टेप्स को देखें। यह है सर्वांगासन योगा पोज। इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। सर्वांगासन योगा पोज में ब्लड फ्लो यानी ब्लड सर्कुलेशन अपोजिट डायरेक्शन में यूट्रस की तरफ इंक्रीज होती है, संपूर्ण एब्डोमिनल ऑर्गन्स की तरफ इंक्रीज होती है, जिसके कारण टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, संपूर्ण एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। एक लेग को नीचे फोल्ड कर हेड के ऊपर टिकाएं। यह है विपरीत करनी योगा पोज। इस पोज में रुकें। दोनों लेग में इसी स्टेप्स को दोहराना है। इस पोज को करने से यूट्रस डिसीज ठीक होती है। आपसे जो योगा पोज हो पाए वही योगा पोज करें। ये सभी योगा पोज करने से यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, बीमारियां दूर होती है। लेग्स को धीरे धीरे हेड की तरफ बेंड करें। बेंड करते हुए फ्लोर के ऊपर टिकाएं। यह है हलासन योगा पोज। हलासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस मसल को स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेस एंग्जाइटी दूर होते हैं, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। योगासन में आपको टाइम देना है, तभी आपकी यूट्रस डिसीज दूर होगी, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आना है। नीज को अपनी हेड के ऊपर टिकाएं। यह है हेड टू नीज पोज। इस पोज को करने से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज में रुकें। जिन लोगों से ना हो पाए वे लोग अपने अंगों के ऊपर जोर जबरदस्ती ना करें। जो योगा पोज आपसे हो पाए वही योगा पोज आप करें। थैंक यू एवरीवन।